नमस्कार दोस्तों, आल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको लेवल इन्फिनाइट के बारे में बताया था कि पबजी मोबाइल के अंदर लेवल इन्फिनाइट ऐड होने वाला, ऐसा हमें लीक्स सुनने को मिल रही है दोस्तों। तो वो जो लीक्स थी, मैंने आपको बताया था कि अगर वो लीक्स सही हुई तो पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट दोनों के अंदर ऐड हो जाएगा और उसके बाद गेम के अंदर बहुत सारे अपडेट आना स्टार्ट हो जाएंगे। भले गेम दोबारा आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गेम के अंदर अपडेट और नए मटेरियल्स, नए मतलब आउटफिट वगैरह, ये सारी चीजें अब पहले से ज्यादा बेहतर देखने को मिलेंगी दोस्तों, और जल्दी जल्दी सारे इवेंट भी आएंगे दोस्तों। ठीक है, ये चीज मैंने बोली थी। तो फाइनली आज सुबह PUBG मोबाइल के अंदर लेवल इन्फिनाइट का अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग PUBG मोबाइल डाउनलोड किए होंगे, खेले होंगे, उनको पता होगा कि आज सुबह अपडेट आया है PUBG मोबाइल के अंदर। वहां पर लेवल इन्फिनाइट आप लिख के आ रहा है बिल्कुल क्लियर, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में लोगो दिखाया था, वो पूरा का पूरा बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम आ रहा है वहां पर। ठीक है, लेवल इन्फिनाइट लिख के आ रहा है। जैसे आप गेम ओपन करते थे ना तो पहले क्राफ्टन लिख के आता था, अब वहां पर लेवल इन्फिनाइट लिख के आ रहा है दोस्तों। जबकि दोनों कंपनियां एक ही हैं, लेकिन अब इसका नाम हम चेंज किया है तो इसका मतलब PUBG की जितने भी छोटे बड़े वर्जन है, PUBG लाइट, PUBG मोबाइल या फिर किसी दूसरे जो बैन हुए पड़े हैं, उन सब पे बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी तक आपको पता है कि अपडेट आते थे सब के अंदर, लेकिन उतने ज़्यादा तगड़े नहीं आ रहे थे जब से बैन हो गया था। लेकिन भैया सिंपल सी बात है कि PUBG वाले इंडियन मार्केट को नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि भाई वर्ल्ड में जितना पैसा वो पूरे गेम से कमाते हैं उतना अकेले इंडिया से कमाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट सबसे बड़ी है ऐसा आपको पता होगा, इसीलिए वो लोग मलेशिया वगैरह में सर्वर को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक सर्वर नहीं लगाएंगे दूसरी जगह, तब तक गेम ना ही अनबैन होगा ना ही गेम के अंदर कुछ हो पाएगा। तो सर्वर वो चाहे जहां लगाएं उससे तो ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये जो नाम वाम चेंज किया इन लोगों ने लेवल इन्फिनाइट की अटेंसेंट को हटा के, तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तगड़े वाले अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। और हो सकता है जो UCBC परचेजिंग बंद हो गई थी और नहीं परचेज हो पा रही थी, वो भी शायद बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और आप आसानी से खुद से ही परचेज कर पाओगे, शायद ऐसा लग रहा है। ठीक है, और ये अगर हो गया तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ तो शायद मेरे हिसाब से सारी कंट्रियाँ ओपन हो जाएंगी, जो पहले जहाँ से हम लोग BC लेते थे वो सारी जगह ब्लॉक कर दी गई थी, तो वो वहाँ से शायद अनब्लॉक भी हो सकती है। अब ये जब PUBG लाइट के अंदर आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि देखो PUBG मोबाइल के अंदर तो आ गया और हर चीज़ PUBG मोबाइल के अंदर पहले आती है, PUBG लाइट के अंदर बाद में आती है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो आज सुबह PUBG मोबाइल के अंदर आया तो PUBG लाइट के अंदर भी जब नेक्स्ट वाला अपडेट आएगा तो उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अपडेट का कुछ सनक मनक नहीं रहे भाई, इतने दिन हो गए अब तक तो अपडेट आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आ नहीं रहा है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 तारीख के पहले पहले अपडेट हमें देखने को मिल जाएगा बीटा के अंदर। और अगर बीटा के अंदर अपडेट आ जाता है तो फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीटा के अंदर अगर आ जाएगा तो फिर सबके अंदर आसानी से आ ही जाएगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी न्यूज जो मैंने सोचा अपने भाई लोग के साथ शेयर करते हैं। अगर ये न्यूज आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए वो चैनल पे सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा देना, जिससे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो लोग BC नहीं परचेस कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम दोस्तों।